नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। मुजफ्फरनगर के चर्चित थप्पड़ कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। बताते चले कि शीर्ष अदालत ने मुस्लिम छात्र को कथित देरी को लेकर यह लताड़ लगाई है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइया की बेंच ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरीके से उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यूपी सरकार की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद से पूछा कि उसके पहले के निर्देशों के बावजूद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा अनुशासित काउंसलिंग करने में देरी क्यों की गई। बता दें कि अगस्त 2023 की यूपी के मुजफ्फरनगर की घटना में एक स्कूल की शिक्षक ने कथित तौर पर अपनी कक्षा के छात्रों से होमवर्क पूरा न करने पर एक साथी मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसके बाद से शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने इसमें शामिल बच्चों को काउंसलिंग प्रदान करने, विशेषज्ञ बाल परामर्शदाताओं की सहायता प्रदान करने के लिए TISS को नियुक्त किया गया था। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से यह बताने को कहा था कि उसने TISS की सिफारिशों को कैसे लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके बाद शुक्रवार को राज्य के जवाब पर गौर करने के बाद पीठ ने कहा कि इससे पता चलता है कि काउंसलिंग प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। जस्टिस ओका ने कहा कि TISS सुझाव देता है कि उन्हें किस तरह से परामर्श दिया जाएगा। उन्होंने आपको उन संस्थानों के नाम भी दिए हैं जिनकी सहायता ली जानी चाहिए, कुछ नहीं किया गया है। गरिमा प्रसाद ने कहा कि हालांकि यह जवाब में प्रतिबंधित नहीं होगा, प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उनके निर्देशों का अक्षरश लागू किया जाना चाहिए और राज्य से अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 1 मार्च को फिर से सुनवाई करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन आवाज के साथ।